हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज फिर मैं एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है बीबीसी का, वह है सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस को आज हम डिस्कस करेंगे। जो पीपीसी में इसके रेलेवेंट सेक्शंस हैं या रिलाइज जो सेक्शंस हैं वो 96 से लेकर 106 तक हैं। अब प्राइवेट डिफेंस को हम पहले देखेंगे है क्या, या प्राइवेट डिफेंस को हम कैसे सेल्फ डिफेंस। अब प्राइवेट डिफेंस को हम यूं कह सकते हैं कि हर शख्स को अपनी जान बचाने के बचाव के लिए दिफा कर सकता है। कोई भी शख्स अगर उसको कोई खतरा हो किसी शख्स से तो वो अपनी दिफा कर सकता है एज अ प्राइवेट डिफेंस में। लेट सपोज एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे कि आपको अगर लगता है कि कोई शख्स आपके घर में घर में चोरी करने की अमल से आया है, तो आपने उसे देख लिया और आपने अगर देखा कि उसके पास गन है और आपने वो नोटिस किया कि ये मुझे गन गोली मार सकता है, तो अगर वो गोली मारने की कोशिश करे या आपको ऑब्जर्व करें तो आप उसको अपनी दिफा के लिए उससे ग्रीवियस हर्ट दे सकते हैं। नंबर वन, पहले अगर आपको लगता है तो पहले आप हवाई फायर करें। अगर वो आप अगर हवाई फायर से वो भाग जाता है तो आप उसे कुछ ना करें, उसे बैक साइड से गोली ना मारे। अगर वो नहीं भागता हवाई फायर से तो आप फिर ग्रीवियस हर्ट दें, आप उसे जख्मी कर सकते हैं। अगर वो जख्मी होने के बावजूद भी फिर भी आप पे अटैक करता है तो आप उसे जो है डेथ कत्ल कर सकते हैं। तो वो ये जो है सारा कुछ प्राइवेट डिफेंस में आ सकता है और ये ऑफेंस नहीं होगा, ये एज ए जनरल प्राइवेट ऑफेंस में अकफाल करेगा। जनरली अगर हम इसको देखें प्राइवेट डिफेंस को, आगे डिस्कस करने से पहले इसको हम एक चीज को एक्सप्लेन कर लूं मैं कि प्राइवेट डिफेंस को एक्सप्लेन करना इन द कोर्ट इन द प्रोसीडिंग, तो ये बहुत एक मुश्किल काम होता है। वजह ये होती है कि क्योंकि आप ट्रायल से पहले ही आप कन्फेशन करके बैठे होते हो, आप तस्लीम कर बैठते हो, आप एडमिशन कर बैठे होते हो कि मैंने ये कत्ल किया है या मैंने इसे जख्मी किया था एज अ सेल्फ डिफेंस। ये मैं अपने दिफा के लिए, मैंने मुझे लगा कि ये मुझे मेरे ऊपर अटैक कर सकता था या मेरे ये किसने घर पे चोरी के लिए अफेल से आया था, अमल से आया था, तो इसके पास गन था, ये मुझे गोली मार सकता था, तो अपनी जान को बचाने के लिए और मैं अपनी फैमिली की जान को बचाने के लिए, या मुझे अंदेशा था तो मैंने अपनी सेल्फ डिफेंस के लिए मैंने इसे ग्रीवियस हर्ट दी या इसे मैंने कत्ल कर दिया। आप यहाँ पे आप कन्फेशन करके बैठे हो, आप तस्लीम करके बैठे हो, आप एडमिशन करके बैठे हो, तो अब इसको प्रूफ करना बहुत बहुत जो कोर्ट में होता है बहुत टफ होता है, बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि ये ट्रायल से पहले ही आप कन्फेशन कर बैठे हो। आपसे जज साहब पूछता है ये आप ये आपने किया है, ये अमल आपने किया है, तो आप ये कन्फेशन हाँ करते हो, तो अगर आप कहते हो कि ये मैंने सेल्फ डिफेंस के लिए किया तो आप प्रूफ करके दो। तो ये जो है रेलेवेंट, अगर हम देखेंगे ये 10% जो लॉयर्स होते हैं, गुड लॉयर्स जो होते हैं, हमारे अच्छे वकलाज होते हैं, वो जो है इन चीज में जो है लोगों को बचा भी देते हैं, मगर 90% जो है चांसेस नहीं होते। तो ये जो बेसिक था हमने इसको थोड़ा डिस्कस किया। अब हम 96 को देखेंगे कि अगर मैंने ये जो कहा आपको सेल्फ डिफेंस, अगर कोई शख्स अपनी जान के लिए अपनी जान और माल या अपनी फैमिली को बचाने के लिए किसी के ऊपर हावी हो जाता है, मुसल्लत हो जाता है, या उसे अंदेशा हो या उसे वो नोटिस करे कि ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, किसी मीन्स आपके घर में जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल को चोरी करने आता है, थेफ्ट करने आता है, तो आपको लगता है कि इसके पास गन है या कुल्हाड़ी या मेरी फैमिली के ऊपर अटैक कर सकता है, तो आप अपनी दिफा के लिए, अपनी फैमिली की दिफा के लिए आप प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, आप प्राइवेट सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं।
तो ये 96 में बताया गया है कि हर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान के पास प्राइवेट सेल्फ डिफेंस का हक मौजूद है, राइट है, ये बताया गया है किसमें, 96 में। अब 97 में देखेंगे, 97 में बताया गया राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एंड प्रॉपर्टी। आपको अगर जान और जान और माल का कोई खतरा हो, क्या आपको अगर जान और माल का, आपकी किसी प्रॉपर्टी का नुकसान हो, आपको खतरा हो किसी शख्स से, तो आप राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ले सकते हो। अब लेट सपोज, अब बॉडी में देखते हैं, आपको अपनी जान का नुकसान है या अपनी फैमिली का नुकसान का खतरा है कि ये शख्स जो आया है ये मेरी फैमिली के ऊपर अटैक कर सकता है, तो आप उसको ग्रीवियस हर्ट दे सकते हो। पहले मैंने जैसे आपको बताया कि आप पहले हवाई फायर करेंगे, उसके बाद आप अगर वो नहीं भागता फिर आप क्या करेंगे, उसको ग्रीवियस हर्ट देंगे, जख्मी करेंगे। अगर जख्मी नहीं करता होता तो जख्मी से के बाद भी आपके ऊपर अटैक करता है, हावी होता है, आप जो है उसके ऊपर कत्ल कर सकते हैं। ये आपके पास सेल्फ डिफेंस में अख्तियारात हैं। अब जान माल में कौन कौन से चीजें आएंगी, अब बॉडी में एक चीज आती है रेप, आपका सेक्शन 376 रेप। अगर कोई आपको लगता है कि ये मेरे फैमिली का ये लिए नुकसान है, मेरी किसी बहन या कोई जो फैमिली का मेंबर है उसको उसका ये रेप कर सकता है, या सोडोमाई 377 अननेचुरल ऑफेंस कर सकता है, तो आप उस पर वो आपको लगता है कि ये हावी हो सकता है, ये सोडोमाई या फक कह सकते हैं इसको, अगर ये कर सकता है करेगा तो आप उसको अपनी प्रोटेक्शन के लिए, अपनी हिफाजत के लिए आप उसे जो है अपनी प्राइवेट डिफेंस में उसे या तो ग्रीवियस हर्ट दें या उसे कत्ल कर सकते हैं। मीन्स वो जो मैंने आपको तो पहले ही बताया कब आप हवाई फायर करेंगे, अगर वो भाग जाता है तो आप ग्रीवियस हर्ट करेंगे, ग्रीवियस हर्ट के बाद आप कत्ल कर सकते हैं। ये ऑफेंस में नहीं आएगा, ये आपका जो है प्राइवेट सेल्फ डिफेंस में आएगा। और दूसरी चीज़ अगर जैसे मैंने दो चीज़ें आपको बताई, सेकंड थिंग हर्ट 377, जैसे मैंने आपको हर्ट बताया कि ये शख्स मुझे या मेरी फैमिली को या जो कोई मेरी किफालत में उसको ये नुकसान, आपको अंदेशा लगे कि ये जो है इंजरी दे सकता है मेरी फैमिली पे या किसी पे भी कोई नुकसान कर सकता है, तो आप उसको पहले हवाई फायर करके उसे भगा सकते हैं तो भगा लें, अगर नहीं तो आप उसे ग्रीवियस हर्ट दें या तो आप उसे कत्ल कर सकते हैं। या आप लेट सपोज, या आपका कोई कत्ल करने के लिए इरादे से घर में आता है तो आप उसको कत्ल किसका, या आपके फैमिली में से किसी का कत्ल करने के लिए इरादे से कोई शख्स आता है या आपका कोई कत्ल करने के इरादे से आता है, तो आप उसे आप उसका जो है जख्मी भी कर सकते हैं या उसे कत्ल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने शुरुआती आपको बता दिया। तो ये दो थे, और उसमें आप देखें या आपको लगे कि ये मुझे किडनैप कर सकता है, 365 किडनैपिंग या अबडक्शन ये शख्स करेगा, मेरी फैमिली के किसी मेंबर को ये किडनैप करेगा, तो आप उसे जो है जख्मी करेंगे कर सकते हैं या उसे आप कत्ल कर सकते हैं। आपको वो देखना है, सिचुएशन के हिसाब से देखना पड़ेगा कि अगर आप ये कोई शख्स किडनैपिंग या अबडक्शन करने आता है तो आप उसको अगर आपको नजर आता है कि आप अगर आपके सिर्फ हवाई फायर से वो भाग जाता है तो आप हवाई फायर करें, तो आप फिर आपका सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाएगा। अगर वो भाग जाता है तो आप पीछे से गोली नहीं मार सकते, याद रखिएगा। अगर वो नहीं भागता तो आप फिर जख्मी कर सकते हैं, या आप उसे जख्मी से भी नहीं भागता अटैक फिर भी आप पर मुसलत है हावी हो रहा है तो आप उस पर कत्ल कर सकते हैं। तो ये आपको एक्सेप्शन दी हुई है किसमें, पीपीसी में। या आप कोई इलीगल डिटेंशन करता है, आपको हिरासत में रखता है, हबसे बेजान में कोई शख्स रखने जाता है, या अपने आप सेफ्टी के लिए आप उसको ग्रीवियस हर्ट दे सकते हैं। तो ये था कुछ मींस अपनी बॉडी को अपनी जान को बचाने के लिहाज से आप जो है सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। अब देखेंगे 97 में सेक्शन सब क्लॉज 2, ये था जो अपनी बॉडी का पड़ा, ये सब क्लॉज 1 था।
अब सब क्लॉज टू को देखेंगे प्रॉपर्टी के लिहाज से। अब प्रॉपर्टी के लिहाज से ये है यस, अगर कोई शख्स आपके घर में चोरी करने आता है, किसी भी इमूवेबल या मूवेबल प्रॉपर्टी की कोई शख्स चोरी करने के लिहाज से आता है, कोई भी इमूवेबल या मूवेबल, आपकी कार हो गई या आपको कोई घर का सामान हो गया या कोई ऐसी चीज हो गई जो आपकी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, कोई आपको आपके इम्पोर्टेंट प्राइवेसी कोई है, वो अगर आपको कोई चीज पर्सनली उठाने आता है तो आप उस पर ग्रीवी असर्ट कर सकते हैं या अटैक कर सकते हैं। सेकंड थिंग के अगर आपको ये है कि कोई चीज आपकी कस्टडी में है या कोई चीज आपकी कस्टडी में है, कोई चीज प्रॉपर्टी आपकी घर में कस्टडी में पड़ी है, अगर आपको लगे कि ये छीन सकता है या चोरी कर सकता है तो आप उससे छीन रहे हैं, तो अगर आप वो अटैक वो करता है, हावी हो रहा है, आप अपनी अपनी जान के लिए, अपनी अपनी जान को बचाने के लिए, अपनी सेफ्टी के लिए, और अगर आपको नोटिस हो या आपको खौफ हो जाए, डर आ जाए कि ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, तो आप उसको ग्रीवियस एक्ट दें या कत्ल कर सकते हैं। ये दोनों जो हैं आपको एक्सेप्शंस दी हुई है पीपीसी में। थर्ड थिंग यस, एक चीज और मैंने आपको बताया कि अगर जब आपने पुलिस को बता दिया, इतला कर दिया, जब आपने पुलिस को इतला कर दिया, जब आपको लगे कि मैंने पुलिस को इतला कर दिया है, वो जब पुलिस आ गई तो आपका राइट ऑफ जो राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस वो खत्म हो जाएगा, तो आप पीछे से उसे अटैक नहीं कर सकते या गोली नहीं मार सकते, तो फिर वो ऑफेंस में फाल करेगा क्योंकि आपने इतला कर दी। जब तक इतला नहीं दी, जब आपने इतला कर दी और फिर भी जब तक पुलिस नहीं आती, तब तक आप उसे अपनी सेल्फ डिफेंस में कर सकते हैं, अपने बचाव के लिए उसे अटैक कर सकते हैं। थर्ड थिंग, अगर कोई शख्स आपके घर में, जैसे मैंने थेफ्ट बताया या रॉबरी करने आता है, थेफ्ट 378 और 382 डकैती, 390 रॉबरी, ये हम आगे डिस्कस करेंगे इनको भी, तो ये अगर कोई करने आता है तो आप अपनी सेफ्टी के लिए, अपनी प्रॉपर्टी के कस्ट, अपनी चीज को, प्राइवेट जो चीज़ें, अगर वो आप अपनी उसको बचाना चाहते हैं, उसको सेफ्टी मेजरमेंट प्रिकॉशंस करना चाहते हैं, तो आप उस पर हावी हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी शख्स नहीं चाहता कि कोई उसकी प्रॉपर्टी को पर हावी हो या कब्जा करे, तो आप अगर आपको लगता है कि आप अपने हाथ के हाथ से या कोई अपनी चीज से उसे वो चीज़ छीन सकते हैं, तो आप उसको ग्रीवियस हार्ट ना दें। अगर वो शख्स हवाई फायर से भाग जाता है तो आप हवाई फायर करें, अगर नहीं भागता तो आप ग्रीवियस हार्ट करें, ग्रीवियस हार्ट से नहीं भागता आप फिर भी आप पे हावी मुसलत होता है तो आप फिर उस पर कत्ल कर सकते हैं। ये तीन चार चीज़ें हैं, इनको आप नोट करके फिर आप जो है आपका जो है प्राइवेट डिफेंस होगा जिमरे में आएगा। यस, एक और प्रॉपर्टी के लिहाज से, अगर कोई शख्स आपके घर में आग लगाने आता है क्या, अगर कोई शख्स आपके घर में आग लगाने आता है और आपने ऑब्जर्व कर लिया कि ये कोई शख्स जो है मेरे घर को आग लगाना चाह रहा है, या आपकी कोई जमीन पे या कोई चीज आपके उधर पड़ी हुआ वहां पे आग लगा रहा है, फसल पे या किसी चीज पे आग लगाना चाह रहा है, तो आप अपनी सेफ्टी के लिए, आप अपनी प्रॉपर्टी की सेफ्टी के लिए आप उसे अगर हवाई फायर से वो भगा सकते हैं तो भगा सकते हैं, अगर नहीं भागता तो आप उसे ग्रेवियस हार्ट दें, अगर ग्रेवियस हार्ट से नहीं भागते तो आप उसे कत्ल कर सकते हैं। फिर सेक्शन 98 है। अब 98 में बताया गया है, जब कोई बच्चा, अब बच्चा कम 7 साल से कम और 12 साल से ज्यादा जो है, 7 साल से ज्यादा और 12 साल से जो है कम और अनसाउंड माइंड, अगर वो शख्स, अब क्या, अब एक शख्स माइनर है, एक शख्स माइनर है और दूसरा अनसाउंड पागल है, अगर वो कुछ हरकत करते हैं तो क्या आप उसमें सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं? यस, क्योंकि अगर आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर हावी हो सकता है, मुसल्लत हो सकता है, आपको जब ऑब्जर्व करें कि ये मेरी फैमिली या मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर हावी हो सकता है, या आपको अंदेशा हो या आपको खतरा हो
ये कि ये मेरे ऊपर हावी हो सकता है या मुसल्लत हो सकता है या मेरे ऊपर नुकसान दे सकता है, तो आप उसको पहले तो आप उसे मारे नहीं, पहले हवाई फायर करें। अगर हवाई फायर से नहीं करता, अगर उसके पास गन है या कोई ऐसी चीज है कुल्हाड़ी, एक चीज और, अगर उसके पास गन है तो आप उसे ग्रीवियस हर्ट दे सकते हैं। अगर ग्रीवियस हर्ट से फिर भी आपने हावी हो रहा है तो आप उसे कतल कर सकते हैं। ये ना हो कि अगर उसके पास कुल्हाड़ी हो और आप उसे जो है कत्ल कर दें, ये एक्सेप्शंस नहीं है। जो चीज़ होगी, जिस जो उसके पास जो हथियार होगा, इसलाह होगा, उस हिसाब से आप अपनी सेल्फ डिफेंस करें, नहीं तो वो अफेंस में फॉल करेगा। ये आप चीज़ जमे में, अगर उसके पास हथियार है, अगर उसके पास कुल्हाड़ी है, कोई चाकू, आप उसे गोली मारें तो ये अफेंस में फॉल करेगा, क्योंकि वो आपको से कुल्हाड़ी है उसके पास, ना कि उसके पास हथियार है जो आपको मार सकता है। आप उसे ग्रीवियस समझें, उससे ज़्यादा आप ना करें। तो ये बताया कि अगर कोई बच्चा या अनसाउंड माइंड कोई आप पे हावी होता है, मुसल्लत होता है, पहले तो आप उसे अब उसको मारे नहीं, उसको हवाई फायर करके भगाएं। अगर नहीं भागता तो आप उसे ग्रीवियस हर्ट दें, अगर ग्रीवियस हर्ट से नहीं भागता तो आप उसे कत्ल कर सकते हैं। ये एक्सेप्शन ही है। और किसी और जनरल एक्सप्लेनेशन में जो है उधर माइनर और अनसाउंड माइंड को सजा नहीं होती, बट इन दिस केस यहाँ पे जो है इनको आप मार सकते हैं। जी, आपको एक्सेप्शन दी हुई। अब 99 में बताया गया है, आप कब सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं, कर सकते हैं, और कब नहीं, और कब खत्म हो जाएगा। अब सेल्फ डिफेंस कब कर सकते हैं, जब आपको नोटिस हो, क्या जब आपको नोटिस हो, ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये मेरे ऊपर, अब आप या आपको खतरा हो कि ये मेरे ऊपर अटैक कर सकता है, तो आप तब आप उस राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। और कब नहीं ले सकते हैं? यस, जब आपको लगे, जब आपको क्या लगे कि आप बिल्कुल सेव हैं, ठीक है, क्या आप जब को आपको लगे कि आप बिल्कुल सेव हैं, अब आपको कोई खतरा नहीं है, तो आप फिर राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस नहीं ले सकते। कब ले सकते हैं? जब आपको नुकसान हो या आपको खतरा हो या आपको अंदेशा हो या आप नोटिस कर रहे हो कि ये मेरे ऊपर अटैक करेगा या अटैक कर सकता है मेरे ऊपर या मेरे फैमिली ऊपर या कोई मेरे किफालत में उसके ऊपर या मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर, तो तब आप सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं। और कब नहीं? जब आपको लगे कि मैं फुल प्रिपेयर्ड जो है, मैं वो मेरी लाइफ जो है वो है कंट्रोल में, सेव है, तो आप फिर आप उसको चीज़ को नहीं ले सकते, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस नहीं फॉल नहीं करेगा। और ख़त्म कब हो जाएगा? ख़त्म तब हो जाएगा जब आपने किसी लीगल डिपार्टमेंट को इत्तला कर दी। अगर लीगल डिपार्टमेंट को आपने इत्तला कर दी और वो आ गए ऑन द स्पॉट, तो आ गए, और अगर वो अपनी कस्टडी में ले लेते हैं, तो आपकी उस राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस खत्म हो जाएगी। और एग्जाम्पल से समझे, अगर कोई पुलिस ऑफिसर कोई इलीगल एक्ट करता है या आपको कोई क्रिमिनल कंस्पायरी या कोई क्रिमिनल एक्ट करता है, कोई जान बूझ के आपको मारने की करता है, तो आप पुलिस डिपार्टमेंट के कोई शख्स है तो आप उस पर भी साइड ऑफ सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं, कि आप याद रखिएगा। अब इसमें जो 101 में बताया गया है, यस, अब हम 101 में बताया गया है कि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आ जाए, क्या अगर ऐसी कोई सिचुएशन आ जाए जब अगले शख्स के पास जाओ कुल्हाड़ी हो या चाकू हो, कुल्हाड़ी या चाकू हो, तो आप उसके ऊपर कत्ल नहीं कर सकते, आप उसको सिर्फ ग्रीवियस हर्ट दें, नॉट के उसके फर्दर आप उसे कत्ल कर दें। तो आप उसको, अगर आपको लगे कि उसके पास चाकू है या कुल्हाड़ी है, आपको उस कंडीशन को देखना चाहिए। मैंने आपको पहले बताया कि आपको उस कंडीशन को देखना चाहिए, आप कब अपनी प्रोटेक्शन कर सकते हैं, आप अपनी सेल्फ डिफेंस ले सकते हैं, तब ले सकते हैं। आगे सिचुएशन देखेंगे, अगर हथियार है, आप ग्रीवियस हर्ट आपने कर दिया, तो अगर आपको लगता है तो
फिर आप कत्ल कर सकते हैं। अगर आपको लगता है उसके पास कुल्हाड़ी या चाकू है और आप उसको जख्मी कर दिया आपने और फिर आप वो मुसल्लत नहीं होते तो आप उसको ऊपर हावी नहीं हो सके। उस कंडीशन को देखेंगे चाकू है किस चीज़ पे अपार कर रहा है, तो आप उस हिसाब से जो है अपने सेल्फ डिफेंस को अख्तियार में लें। और 102 में बताया गया है राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस कब शुरू होता है और कब खत्म होता है, कब रहता है और कब खत्म हो जाता है। शुरू कब होता है? जब आपको नोटिस करते हैं कि ये अब मेरे ऊपर हावी होता है या मुसल्लत हो रहा है, तो आप अपनी सेल्फ डिफेंस में ले सकते हैं, आप वहां पे शुरू कर सकते हैं अपनी सेल्फ डिफेंस को। और सेकंड थिंग, कब तक रहता है? ये तब तक रहता है जब आपने किसी लीगल डिपार्टमेंट को बता दिया या आपको लगता है कि मैं अपनी मेरी लाइफ जो है मैं अपने आप को सेफ महसूस कर रहा हूँ, मेरी फैमिली भी सेफ है, मेरी प्रॉपर्टी भी सेफ है, तब तक वो आपका जो है ये रहता है और फिर उसके बाद वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप उस पर नहीं कर सकते। या ऐसे कह सकते हैं कि जब आपको लगे आपने हवाई फायर कर दिया और वो शख्स भाग गया, तब तक वो रहता है, उसके बाद जो है वो खत्म हो जाएगा। और जब आपने पुलिस को के हवाले कर दिया है, कस्टडी में कर दिया या किसी लीगल डिपार्टमेंट को, तो आपका फिर वो जो है जो सेल्फ राइट ऑफ सेल्फ डिफेंस वो खत्म हो जाएगा। अब 103 में बताया गया है कि आप किसी शख्स को मौत की घाट में कब जो है मौत की घाट में हमला कर सकते हैं या मौत में ले आ सकते हैं। जब आप नोटिस करें क्या जब आप नोटिस करें कि ये शख्स मेरी फैमिली या मेरे ख़ानदान के लिए नुकसान का बायस बन सकता है, या आपको लगे कि ये मेरे फैमिली के ऊपर या मेरी फैमिली पर रेप कर सकता है या सोडोमाई कर सकता है या कोई जो है कत्ल कर सकता है या हर्ट कर सकता है, ग्रीवियस हर्ट दे सकता है, तो आप उसे जो है कत्ल कर सकते हैं। और आप अब जो है 104 में बताया गया कि आप उसे जख्मी कब करेंगे, जख्मी कब कर सकते हैं। जब आपको नोटिस करें या जब आप नोटिस करें कि ये मुझे शख्स जख्मी करना चाहता है क्या, या ये मेरे ऊपर अटैक करना चाहता है या कोई मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर कब्जा करना चाहता है, तो पहले आप जो है मौत से पहले आप जो है उसे ग्रीवियस हर्ट दें, जख्मी करें। मैंने आपको पहले ही बताया कि आप उसे ग्रीवियस हर्ट दें, जख्मी करें। अगर वो जख्मी से जो है भाग जाता है तो आप उस पर कत्ल ना करें, आप पीछे से वार ना करें। मौत कब दे सकते हैं? जब आप ग्रीवियस हर्ट दे दें फिर भी वो आप पे अटैक करें मुसल्लत हो तो आप उसे कत्ल कर सकते हैं। वो आपको 103 में बताया कि आप ग्रीवियस हर्ट कब से कर सकते हैं, जब आप हवाई फायर की फिर भी वो नहीं भागा तो आप उसे ग्रीवियस हर्ट दे सकते हैं। अब सेक्शन 106 में बताया गया कोई आपके पास ऐसी सिचुएशन आ जाए, कोई बंदा अपनी जान बचाने के लिए किसी शख्स की आप जान बचाने की कोशिश कर रहे हो, किसी शख्स की आप जान बचा रहे हो या अपनी जान बचा रहे हो, तो किसी हो के किसी को आप ग्रीवियस हर्ट दे सकते हो। लेट सपोज आपके आपके इर्द गिर्द 10 लोग आपके खड़े हो गए और वो आपको लगता है कि ये मेरे ऊपर हावी हो सकते हैं, मुझे कत्ल कर सकते हैं, तो आप उस इन दैट कंडीशन आप जो है उनको जो ग्रीवियस हर्ट अगर दे सकते हैं तो ठीक, नहीं तो आप उन्हें अगर आपके पास गन है तो आप उन्हें कत्ल कर सकते हो। या आपको लगता है कि आपके माहौल में सराउंडिंग में कोई किसी शख्स को मारना चाह रहा है इलीगली, तो आप उसको बचाने के लिए उसके सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। वो आपका लवाहिकीन हो तो आप उसकी सेल्फ डिफेंस में उसको बचा सकते हो। तो दैट्स ऑल अबाउट टुडेस लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ ना आए तो मुझे कोई अगर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछिएगा। और अपने शकील अहमद को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।